मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय माना जा रहा है। दरअसल परमवीर सिंह ने 100 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ दायर चार्जशीट में कहा है कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को बहाल करने के लिए उन पर दबाव डाला गया था। परमवीर सिंह के मुताबिक उन पर यह दबाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डाला था। परमवीर सिंह ने कहा कि अनिल देशमुख के कृत्य के बारे में उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजीत पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार पहले से जानते थे। उन्होंने देशमुख के कुकर्मों के बारे में पहले ही उन्हें जानकारी दे दी थी। जी हां, आपको बता दें कि विशेष अदालत में सीबीआई की ओर से देशमुख और उनके दो पूर्व सहयोगियों संजीव फलांदे और कुंदन सिंधे के विरुद्ध दायर आरोप में सिंह का बयान शामिल है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह का यह बयान सीबीआई के समक्ष दर्ज हुआ है और बस खास पुलिस अधिकारी सचिन वाजे इस मामले में सरकारी गवाह हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया गया। परमवीर सिंह ने अपने बयान में बताया है कि जब वो सीएम से मिले थे तो उन्होंने सचिन वाजे को बहाल करने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।